बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। इसमें हमें यही पढ़ना है कि जो डेयरी एनिमल्स इनको डिजीज से कैसे बचाएं। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। द एडेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फार्म एनिमल्स एज वेल। ये बात सही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फार्म एनिमल्स में भी लागू होता है। हमें जो डेयरी एनिमल्स हैं उनको पहले ही डिजीज से बचाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। किनको? डेयरी एनिमल्स को। किन से? डिजीज से। अगर फॉर एग्जांपल किसी डेयरी एनिमल्स को डिजीज़ लग गई, फिर उसको क्योर देना पड़ता है, इससे बेहतर है कि हम उसको पहले ही बचाएं डिजीज लगने से। फार्म एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ डिजीज़। फार्म एनिमल्स में नंबर ऑफ डिजीज लग सकते हैं, उनको बहुत खतरा रहता है डिजीज लगने का, एंड समटाइम्स द ट्रीटमेंट में टर्न आउट टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। और किसी वक्त जब डिजीज लगती है इन फार्म एनिमल्स में तो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देयरफॉर इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट अप्रोप्रिएट एंड टाइमली मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। तो हमें वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो मेजर्स उठाने चाहिए जिनसे हम फार्म एनिमल्स को डिजीज लगने से बचा सके। दिस यूनिट डिस्कसेस द गाइडलाइंस दैट नीड टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट वेरियस डिजीज इन डेयरी एनिमल्स, वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ एनिमल्स एंड वन हेल्थ अप्रोच। इस यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि हमें कौन सी गाइडलाइंस यूज़ करनी है कि जो फार्म एनिमल्स है या डेयरी एनिमल्स है इनको डिजीज से बचा पाए। वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ एनिमल्स, वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है एनिमल्स में, किस टाइम पे किया जाता है, एंड वन हेल्थ अप्रोच जो है वो कैसे किया जाता है इन फार्म एनिमल्स। तो सेशन फर्स्ट में हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन डेयरी एनिमल्स। इसमें हमें गाइडलाइंस देखनी है कि कैसे हम जो डेयरी एनिमल्स हैं उसको डिजीज से बचाएं, उनको डिजीज से बचाएं। A disease in an animal in a dairy farm poses a risk to healthy animals. अगर एक एनिमल को डिजीज है किसी भी डेयरी फार्म में, तो उससे क्या होता है? जो दूसरे एनिमल्स हेल्थी एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे, अगर हम शॉर्ट में लिखें हेल्थी एनिमल्स होते हैं, तो उनको खतरा रहता है और ह्यूमंस को भी उससे खतरा रहता है। डिजीज से क्या होता है? डिजीज लीड टू रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मिल्क यील्ड, वूल, मीट एंड रिप्रोडक्शन इन द अफेक्टेड एनिमल्स। जो भी अफेक्टेड एनिमल्स हो जिनमें डिजीज लगी हो, उससे क्या होता है? उससे, ये मैंने आपको बार बार बोला है कि उससे जो मिल्क यील्ड है वो कम हो जाता है, वूल प्रोडक्शन कम हो जाती है, मीट प्रोडक्शन कम हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव
यहाँ पर देखिए आप, मिल्क यील्ड कम हो जाता है, यहाँ पर ऊपर मैं लिखूँगा रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड, मीट, वूल, ये सब रिड्यूस हो जाते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस पर जो है वो असर पड़ता है, ये अच्छी तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, जो डेयरी फार्म है वो लॉस में चला जाता है, कॉजिंग हैवी लॉसेस टू ए डेयरी फार्मर। जो डेयरी फार्मर होता है उसको बहुत लॉस हो जाता है। डेयरी फार्मर्स देयर फॉर नीड टू फॉलो द प्रिकॉशंस एज गिवन इन फिगर 2.1 टू प्रिवेंट द ऑकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीज इन कैटल। यहाँ पर 2.1 एक फिगर दी गई है, यहाँ पर उसमें कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि कैसे हम डेयरी एनिमल्स को डिजीज से बचा पाए, ताकि जो डेयरी फार्मर है वो लॉस से बच जाए।